दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अर्णभूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों अर्णभूमि के इस अंक में आप सभी को बता दूं, हमारे साथ आज के इस अंक में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक मेहमान जो कि बिरी कामे जी हैं। बिरी कामे जी फॉर्मर आईमा यानी ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी थे, यानी 2010 से 2014 तक जनरल सेक्रेटरी थे। कामे जी, मैं आपको अर्णभूमि पेज में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। रिक्वेस्ट ये था कि मतलब यहाँ जो अभी आप सभी को पता है कि जो ईटानगर जो बैंक नाली जो यहाँ पर जो पड़ता है, इसमें जो है पास जो अंडर पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेजी कम्प्लेक्स एरिया, उसके बाद जो ये बैंक नाली के जितने भी जो एरिया जो मेन रोड में हाईवे में जो पड़ता है, दुकानदारों को लेकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखा है, अर्णभूमि को भी साथ साथ उन्होंने टाइम्स ऑफ अरुणाचल को भी लिखा है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि यहाँ में जो लोग बिजनेस मैन है यानी जो दुकानदार है उनके लिए कहीं ना कहीं मतलब अपना जो सर्वाइवल के लिए, अपना जो फैमिली को चलाने के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है या फिर रेंट भाड़ा देने के लिए दिक्कत हो रहा है। इस सब्जेक्ट को लेके उन्होंने एक चिट्ठी लेटर एडिटर इन चीफ ये अरुणाचल टाइम्स को भी दिया है और हम लोगों को भी एक मिला है। तो कामे जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने एक अच्छा मुद्दा उठाया कि आपने ये कहा है कि मतलब जो बैंक अली और लेजी कम्प्लेक्स एरिया में जो लोग बिजनेस दुकानदार है उनको कहीं ना कहीं अंदर पास के वजह से मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसमें आपका क्या विचार है सर? सबसे पहले बात कि आपको मैं धन्यवाद अरुणभूमि को कि आपने मेरा रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और मुझे यहाँ आज स्टूडियो में आने का मौका दिया। मैं आपको आपका माध्यम से मैं सभी ये को दुकानदार का उन बिहाव में स्पेशली मैं आपका गांधी ये आपका बैंक तिनाली और लेजी कॉम्प्लेक्स का और उसका ये का उस एरिया का दुकानदार का उन बिहाव में मैं सरकार को यही एक तो मेरा तरफ से मैं अनुरोध करता हूँ कि दुकानदार ऐसा तकलीफ में है, अभी उनका दुकान नहीं चल रहा है, नो रेंट भी नहीं दे पा रहा है, स्टाफ का सैलरी नहीं दे पा रहा है, तो ऐसा करके बहुत तकलीफ में दिक्कत में है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उनको थोड़ा कॉम्पेंसेट करे और साथ साथ में मैं उस एरिया का जो भी बिल्डिंग ओनर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी अगर सकने से कम कुछ कंसीडर कर दीजिए इस समय में, इस दिक्कत का समय में। और ऑलरेडी 2019 का लॉकडाउन का हिसाब से लॉकडाउन में भी बहुत से तकलीफ हुआ, उसका ऊपर से अंडर पास होने के बाद में और तकलीफ मिला है। तो मैं उन बिहाफ ऑफ आपका बिजनेस कम्युनिटी का ओर से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इस बात को थोड़ा से ध्यान दे और साथ दे, थोड़ा दुकानदार को थोड़ा फ्रीडम दे साथ में उनका दुख दुख तकलीफ को। कामे जी, ये भी तो है ना कि जब ये अंदर पास कंस्ट्रक्शन जब चलने वाला था, जब होने वाला था, उस समय भी तो सभी मार्केट के जितने दुकानदार मतलब जो आसपास जहाँ पे इफेक्टेड हो रहा है उनको भी तो नोटिस जारी किया होगा कि आप लोगों को 3 महीना या 3 महीना तक के लिए तकलीफ होगा, ऐसे तो दिया होगा। तो हम लोग क्या, आपको क्या लगता है कि हर बार हर चीज में सरकार को ही ब्लेम करना, सरकार को ही कंपेंसेट करना बोल के जरूरी है क्या? ना, इसी के लिए मैं आपको आपका माध्यम से मैं आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सरकार को थोड़ा तो देखना चाहिए कि अपना पब्लिक को, सरकार पब्लिक का ऊपर में डिपेंड करता है। तो दुकानदार अगर पब्लिक अगर उसी एरिया में अगर नहीं जाएंगे तो दुकानदार कहाँ से सेलिंग होगा। तो इसीलिए मैं इस चीज को सरकार का ऊपर में भी मैं इस चीज को फोकस करना चाहता हूँ कि सरकार उसमें भी ध्यान दीजिए। कामे जी, ये भी तो है ना कि जो मतलब जो अभी अंडर पास कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ये तो पूरा अरुणाचल के लिए है और आपका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो है लेजी कॉम्प्लेक्स और लेजी कॉम्प्लेक्स के जस्ट अपोजिट साइड में कुछ दुकान मतलब यू कहें कि 15-20 ऐसे दुकानें होंगे जिसको मतलब इफेक्टेड हो रहा है, मतलब उनका जो है रोजी रोटी नहीं चल रहा है। तो अगर हम लोग लार्ज स्केल में देखा जाएगा तो ये कंस्ट्रक्शन जो है हम सभी अरुणाचल के लिए है, तो इसमें आपका क्या कहना है? इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सरकार का तरफ से कम एक कैपिटल को एक ब्यूटिफिकेशन करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन इसका साथ साथ में मैं उस बिल्डिंग ओनर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सरकार का सिर्फ मत देखिए, बिल्डिंग ओनर्स आप भी कुछ कॉम्पेंसेट कीजिए आपका मंथली रेंट में। जी जी, तो वही तो कामे जी, और एक सवाल आपसे ये है, आप ऐसे तो नहीं है ना कि अभी आने वाला समय में 1-2 दिन या फिर 1-2 महीना या फिर 3 महीना या फिर 1 साल के अंदर जो है चुनाव यानी आईमा का चुनाव होने वाला, इसीलिए तो आप ये नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं ऑलरेडी
मार्केट वेलफेयर में मैं ऑलरेडी रह चुका हूँ। अच्छा, मैं 2010 से 14 तक एज ए मार्केट का जनरल सेक्रेटरी में रहा हूँ, तो उसी हिसाब से उन का दुख तकलीफ को उन का भावना को लेकर के मैं आज इसलिए आपका सामने आया। जी, तो ठीक है, तो कामे जी मैं आपसे ये अभी आपसे मैं एक मैसेज ये चाह रहा हूँ कि आप ये जितना लेजी कंप्लेक्स के साथ साथ जो मतलब ये बैंक तिरंगे पड़ता है साथ साथ पूरे ईटानगर अंदर में जितना आईमा के अंदर आता है या फिर जितना दुकानदार है जितना बिजनेस कम्युनिटी है, ये कोरोना महामारी तो चल रहा है, कोरोना महामारी को लेते हुए आप जितना दुकानदार वाला है उसको आप क्या मैसेज देना चाहता है कि हमें कोरोना से कैसे बचना है? मैं इस विषय में आपका माध्यम से मैं सभी को अनुरोध करता हूँ, मेरा जितना भी बिजनेस कम्युनिटी को अनुरोध करता हूँ, आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करवाइए। दुकान में अगर कोई भी ग्राहक आता है उनको सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करवाइए और हैंड सैनिटाइज कराइए, और जिसका पास में मास्क नहीं है उनको आप दुकान का अंदर घुसने ना दें। ये मेरा अपील है आपका मार्केट लीडर का हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद कामे जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ आज इस अंक में जो मौजूद थे बेरी कामे जी, आप जानते हैं। तो बेरी कामे का कहना यही है कि जो लोग जो अभी इफेक्टेड जो मतलब अंडरपास कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, जो बिजनेस कम्युनिटी जो कुछ लोग जो है इफेक्टेड हो रहा है, तो उसका इसका डायरेक्ट संदेश ये ताकि मतलब सरकार भी कुछ देखे, साथ ही साथ जो जितने भी उस एरिया में जो रेंट ओनर पड़ता है जो घर के मालिक है उनसे भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि यदि आपका महीना में अगर 5,000 अगर आपका रेंट होता है तो आप कम से कम उन बिजनेस कम्युनिटी वालों से 2,000 या फिर 2,500 लीजिए, क्योंकि उनका जो है बिजनेस जो है तब पड़ा हुआ है, अगर वो तब नहीं पड़ेंगे तो आपको दे सकता है, लेकिन आप सभी देखते हैं कि ये जो बिजनेस कम्युनिटी जिस एरिया में जो लोकेटेड है वो जो है तब पड़ा हुआ है। तो इसीलिए इसको एक इंसानियत होने के नाते सरकार को भी देखना है, साथ ही साथ जो घर के मालिक है उनको भी देखना है कि उनको हम लोग कैसे करेंगे बोल करके उन्होंने सीधा उन्होंने संदेश दिया है। साथ ही साथ मैं अरुण भूमि के जितने दर्शक है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी जो है महामारी जो बहुत फैल रहा है, ऐसे ही आप लोग हमेशा अपने जो चेहरा में जो है मास्क पहनिएगा, उसके बाद हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी को मेंटेन कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल।